अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है उनेस? कैसे इधर तो देखो तुम लोगों को तो देख के ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं कहाँ आई हूँ। अम्मी सर्दी है, बहुत सर्दी है। हम लोग जा रहे हैं तहज्जुद और फजर पढ़ने अभी, और बस अल्लाह ने हिम्मत दे दी है हमें कि हम सुबह उठे हुए हैं। सर्दी भी है बहुत यहाँ, और मज़ा भी बहुत आ रहा है ये देख के कि हर कोई एक ही तरफ जा रहा है। हाँ। एक ही डायरेक्शन है, किसी की कोई ऑपोजिट साइड में लेफ्ट राइट कोई नहीं है, सब स्ट्रेट जा रहे हैं। ना मज़ा आ रहा है ये देख के। वो तन्हा कौन है अल्लाहु अल्लाह, बादशाह वो कौन है अल्लाहु अल्लाह, मेहरबान वो कौन है अल्लाहु अल्लाह, क्या ऊंची शान है। क्या रहे हैं सब लोग का जुमा मुबारक। जुमा मुबारक। हम अभी फजर की नमाज पढ़ के फ्री हुए हैं और हम जा रहे हैं अपने होटल जा रहे हैं। सर्दी कितनी? सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है। कितने लोग हैं यार, कितने, पूरी दुनिया आई है, पूरी दुनिया आई है। लोग कितने कहाँ से आ गए हैं? नमाज पढ़ने के टाइम पे तो इतने आ जाते हैं, कहाँ से आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जा रहे हैं हम जुम्मा पढ़ने। वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह, 11:30 बज रहे हैं इस वक्त और अभी हम जा रहे हैं। और अम्मी हम लोग जा रहे हैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने 11:30 बजे, इसलिए कि जगह फिर नहीं मिलेगी, बहुत लोग हैं। दे दो। अब हम जा रहे हैं की नमाज पढ़ने। कहाँ? अच्छा, अम्मी के पास चलो। यही करीब में बैठ जाएंगे। चले। किसने दिए ये चॉकलेट? मजे हैं तुम लोगों के हैं गंजू? नमाज पढ़ लेना, समझ में आ रही है बात? तो पहले। हम देखो अम्ब्रेला के नीचे बैठे हैं। तो अभी हम रूम में आए हैं और हमारे पास खाने में है कोफ्ते। अभी हमने रखे हैं स्टू को भी सामने, प्लेट दो। और मिर्चें, मुझे आधा देना। मिर्चों का है ये, एक बार रुके मम्मू का। और ये मिर्चों का सालन जो हमने कल खोला था, ये कोफ्ते हैं और ये स्टू है। मम्मी की प्लेट दो। और रोटी देखें क्या जबरदस्त रोटी है। और ये वो कोफ्ते हैं जो मम्मू भाई मजे आ रहे हैं भाई। हम लोग परदेश में पाकिस्तानी खाना। मुझे भूख नहीं थी, डब्बे खुलने से भूख लग गई। रोटी बहुत अच्छी है भाई, मुझे तो कुछ दे दे, मेरा तो कुछ सोचे। छोड़ो तुम भूखे। महमूद साहब क्या करते रहते बाथरूम में? ना कुल्ली कुल्ली कुल्ला कितना गुल्लू करते हो मम्मू भाई। कुल्लू कुल्लू और उमर उल्लू उल्लू। जन्नतुल बकीयम जा रहे थे और इतना चल लिए कि अब एक कदम और चलते तो शायद मरी जाते। फर्स्ट आगे से जो पता नहीं 5 गेट नंबर है वहाँ से जो हमने स्टार्ट लिया है।
और ये हम आ गए लास्ट, बिल्कुल आखिर में। इतने चलने की हिम्मत कहाँ से आ रही है, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। बहुत ज्यादा चले हम लोग, पाँव में इतना दर्द हो रहा है मेरे। बताएं यहाँ पे कौन कौन है? 10,000 सहाबा इकराम और इधर अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फातिमा, फातिमा रजी अल्लाह अन्हु, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हलीमा तो सादिया, हजरत उस्मान बिन अफ्फान। अच्छा माशाल्लाह, आप अंदर ही जॉब आपकी अंदर ही है, बहुत खुश नसीब है आप। और उनकी कहाँ पर है, बहुत दूर है या करीब में ही है? जन्नतुल बकी, वी आर एट जन्नतुल बकी। मैं तो बतला दे हूँ यहाँ पे जन्नतुल बकी में तकसीम हो रही है, सुभानअल्लाह। और जाएंगे ना सब लोग, खुश नसीब है लोग जो यहाँ पे तदफीन हुई है, जिनकी लोकल लोग होंगे वो जनाजा तदफीन हो चुकी है तकरीबन। और बस अब हम भी यहाँ से वापस जा रहे हैं। सामने देखिए गुंबद खिजरा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत देख के जो है वो रोंगटे से इबरत रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इबरत है ये भी। और हमें हम कुछ नहीं, हम यहाँ आते हैं तो हमें यहीं के लोगों से असल जो इस्लाम है वो यहीं से हमें मिल रहा है, तो हमें इनको फॉलो करना चाहिए। 20 दिन 25 दिन एक महीना रहने के बाद अपने अपने मुल्कों में वापस जाके उन्हीं को, उन्हीं के कल्चर को वापस से नहीं अपनाना चाहिए। यहाँ से जो देखने आए हैं उसको सीख के जाएँ। और इस व्लॉग को यहीं पर हम एंड करते हैं, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये बार मिलेंगे इसके बाद।